ये देखिए फ्रेंड्स, आज हमने ब्रेड रोल बनाए हैं। ब्रेड रोल बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए, आवाज सुन रहे हो, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। हमने इसे बहुत इजी मेथड से भी बनाया है और बहुत क्रंची बने। ब्रेड रोल ऑल टाइम सभी के फेवरेट होते हैं। मैं आपको तोड़कर बताती हूँ। देखिए, ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं किया है ब्रेड रोल ने बिल्कुल भी। मैं आपको इसे तोड़कर भी बताती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया, अंदर तक भी अच्छे क्रिस्पी और करारे हमारे ब्रेड रोल बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए हम ब्रेड रोल को बनाना स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ शालिनी, कुक विद शालिनी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड रोल। तो ब्रेड रोल बनाने के लिए हमने 3 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके अच्छे से ग्रेट करके ले लिया है। हम इसे मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। 2 हरी मिर्ची चॉप करके ले लिए, इसे भी हम इस आलू में मिक्स कर देते हैं। इसमें 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, इसे ऐड कर देते हैं। 1 मीडियम साइज का प्याज हमने बारीक चॉप करके ले लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। आप अगर लहसुन अदरक का पेस्ट लाइक करते हैं तो उसे भी ऐड कर लीजिए इसी समय। 2 टीस्पून धनिया पत्ता, 1/2 टीस्पून लेमन जूस, इन सबको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। अब हमने इसमें सब सामग्री मिला दी है, तो कुछ मसाले और हम इसमें मिला लेते हैं। 1/4 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर, इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले को हम अच्छे से हमारी स्टफिंग में मिक्स कर लेते हैं। जब सारे मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो हम इसे अच्छे से सिलेंडर शेप में इसे टिकिया सारी बना बना के रख लेते हैं, ताकि हमारे को बाद में जब ब्रेड के गीले हाथ रहेंगे तो हमारी स्टफिंग पे हाथ नहीं लगाना पड़े। ये देखिए, इस तरह से सारे बना के रख लेते हैं हम। शेप आप कैसा भी दे सकते हैं, राउंड शेप में भी बना सकते हैं। मैं सिलेंडर शेप में बना के रख लेती हूँ सारे। अब जब हमने सारे स्टफिंग से इस तरह सिलेंडर शेप दे लिया है, तो फ्रेंड्स हम एक एक स्लाइस ब्रेड का लेंगे और हमें इस ब्रेड को पूरा पानी में डिप नहीं करना है। अगर पूरा डिप करते हैं तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। बस इस तरह से पकड़िए और सॉफ्ट बस इसे इसका स्क्रीच कर दीजिए, ताकि इसमें जितना भी पानी है वो सारा इसमें निकल जाएगा और हमारी ब्रेड अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम ब्रेड को इस तरह से रखेंगे और एक सिलेंडर शेप को हम इसे उठाएंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, कितना अच्छा हमारा रोल बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हम दूसरा रोल भी बना लेते हैं। सेम प्रोसेस से ब्रेड को हल्का सा डिप करेंगे, पूरा डिप नहीं करना है। अगर पूरा डिप करते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है ब्रेड और एकदम फिर बाइंडिंग नहीं होती अच्छे से। एक स्टफिंग का रोल उठाएंगे, हमारे हाथों में इस तरह से रखेंगे, सेम प्रोसेस से चारों तरफ से फोल्ड करके अच्छे से इसका रोल बना लेंगे। ये देखिए, सारे ब्रेड रोल्स हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत अच्छे बने हैं। आप चाहे तो ब्रेड रोल्स को इसी तरह ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह ऑयल में इसे फ्राई करेंगे तो इसके लिए आप 10 मिनट पहले ब्रेड रोल्स को बनाकर फ्रिज में रख दीजिए, जिससे थोड़े ड्राई हो जाएंगे तो हमारा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। और अगर आप इसे थोड़ा एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची बनाना चाहते हैं तो 2 टीस्पून मैदे में 3 टीस्पून पानी मिला के ऐसे स्मूथ बैटर तैयार कर लीजिए और साथ में थोड़े से ब्रेड क्रम्स बना लीजिए। जो ब्रेड में साइड में ब्राउन कॉर्नर्स होते हैं उसी को ग्राइंड करके हमने ले लिया है और इधर मीडियम फ्लेम पे ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, जब तक हम एक ये करते हैं, एक ब्रेड रोल उठाएंगे, इसे इस तरह से स्लरी में डिप करेंगे। ये स्टेप पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर अगर करेंगे तो एक्स्ट्रा क्रंची ब्रेड रोल बनकर तैयार होगा। इसे डिप कर दीजिए और फिर इसे इधर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लीजिए।
ये देखिए सारे ब्रेड रोल को हमने ब्रेड क्रम्स में कोट करके रख लिया है। एक ब्रेड रोल मैंने बिना विथाउट क्रम्स के रखा है ताकि आपको मैं ऐसे भी फ्राई करके बता सकूं। अब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो हम एक एक ब्रेड रोल इसमें डिप करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। जब हम इसे डालेंगे तब फ्लेम लो रहेगा और उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अभी हम ब्रेड रोल को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब ये ऊपर से हल्के से ड्राई हो जाएगी उसके बाद इन्हें टच करेंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। अभी तुरंत हमने अगर इन्हें टच किया तो ये टूट जाएंगे, हमारे ऑयल में बिखर जाएंगे। अब इन्हें फ्राई होने देते हैं। अब जब ब्रेड रोल हमें ऊपर से हल्के से ड्राई लग रहे हैं तो हम इन्हें टर्न करते हैं। केयरफुली टर्न करेंगे क्योंकि ब्रेड बहुत सॉफ्ट होती है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी बनती है और खाने में बहुत टेस्टी भी लगती है। बारिश के मौसम में तो बहुत ही अच्छी लगेगी। आप शाम की चाय के साथ, सुबह की चाय के साथ कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मोटिवेटेड होता है। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होएंगे हमारे ब्रेड रोल। फ्लेम को हमने मीडियम रख रखा है। ये देखिए बिल्कुल भी हमारे ब्रेड रोल इसमें फैले नहीं है, ऑयल हमारा बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। अब हम ब्रेड रोल को निकाल लेते हैं। अच्छे से इस पर अच्छा गोल्डन कलर आ गया है और बहुत ही क्रिस्पी हो गया। अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो सुनिए, मैं आपको इसे फॉक से बताती हूँ। सुनिए कितने क्रिस्पी बने हैं। इसी तरह हम पूरे ब्रेड रोल को फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे ही हम दूसरे बैच को भी ऐड कर देते हैं ऑयल में। ये ब्रेड रोल जो हमने बिना ब्रेड क्रम्स के रखा है इसे भी हम इसी टाइम डाल देते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट होने देते हैं, उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे जब तक कि ऊपर से अच्छे से ड्राई हो जाए। अब जब ये ऊपर से अच्छे से ड्राई हो गए हैं, देख पा रहे हैं, तो हम इसे धीरे धीरे केयरफुली टर्न कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये वाला भी देखिए जिसपे हमने ब्रेड की कोटिंग नहीं की थी क्रम्स ही, ये विथाउट क्रम्स की कोटिंग का है। ये भी देखिए बिल्कुल भी फटा भी नहीं है और बहुत अच्छा बना है। ये देखिए सेकंड बैच भी हमारी फ्राई हो गई है। ये भी इतनी ही क्रिस्पी बनी है और ऑयल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं किया है, देख पा रहे हैं तो। ये देखिए अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और ये जो हमने विथाउट ब्रेड क्रम्स की कोटिंग के डाला था उसे भी देखिए कितना अच्छा बना है। ये देखो इसकी भी आवाज आपको सुनाती हूँ, कितना क्रिस्पी बना है ये भी। फ्लेम को ऑफ कर दिया है, अब हम इसे ब्रेड रोल को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स सारे ही ब्रेड रोल बनकर हमारे तैयार हैं और सारे ही ब्रेड रोल बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप आवाज सुन पा रहे हो तो सुनिए, ये जिस पे हमने ब्रेड की कोटिंग नहीं की थी इसकी भी आवाज आपको मैं हाथ में लेकर पास से सुनाती हूँ। सुनिए बहुत ही क्रिस्पी और सारे ही ब्रेड रोल हमारे बहुत अच्छे बने हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।